हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे मैंगो फ्रूटी, और घर में ही आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, और जब इतना टेस्टी मैंगो फ्रूटी आप घर में अगर बना सकते हैं वो भी आसान तरीके से, तो बाज़ार से क्यों लाना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ मैंने दो आम लिया है पका हुआ, और ये पूरी तरीके से पका हुआ नहीं है, जैसे मतलब पिलपिला टाइप का होता है ना एक, वैसा नहीं है ये। इसको मैंने धो लिया अच्छे से, और इसका छिलका हम हटा लेंगे। और आप कोई भी आम ले सकते हैं जो भी आपको मार्केट में अवेलेबल मिले। तभी जैसे पहला सीज़न है तभी यही आम ज़्यादा मिलता है, और इसका शेक और जूस जो भी आप बनाते हैं अच्छा भी बनता है। तो यहाँ देखिए मैंने इसका छिलका हटा लिया है, और अब इसका हम गुठलियाँ जो होते हैं वो निकाल लेंगे। पहले ऊपर से इसका हम गूदा जो होता है वो निकाल लेंगे, और यहाँ देखिए बीच से जो आपको वाइट दिख रहा नहीं, अंदर से हल्का सा कच्चा है। तो यहाँ मैंने सिर्फ दो पका हुआ आम लिया है। अगर आप जैसे बहुत पका हुआ आम ले रहे हैं जैसे बहुत अंदर तक मीठा रहता है, तो उसके साथ एक आपको कच्चा आम भी लेना है। तो ये आम थोड़ा सा अंदर से जैसे खट्टा खट्टा सा है, तो इसलिए मैंने इसमें कच्चा आम नहीं लिया है। और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सारे आम को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कोई भी बर्तन लेंगे, कोई कढ़ाई या कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, इसमें हम डाल देंगे सारा आम। ये है 150 ग्राम चीनी, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। 1 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे। अब हम रखेंगे इसको गैस पर बॉयल होने के लिए। 8 से 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल कर लेंगे। आम अच्छे से गल जाना चाहिए। यहाँ देखिए 8 से 10 मिनट हो गया है मुझे इसको पकाते हुए। हम इसको चेक कर लेते हैं, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए आम पूरी तरह से मैश होना चाहिए, जैसे हाथों से अगर आप दबाएंगे ना इसको, तो पूरी तरह से मैश होना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए आम। यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया से कुक हो चुका है, और मैंने इसको पूरे 9-10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 पिंच फूड कलर येलो वाला। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। ज़्यादा नहीं, बस 1 पिंच मैंने डाला है। मिला देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। आपको पूरे अच्छे से इसको ठंडा कर लेना है, या चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको ठंडा करने के लिए। तो चलिए हम इसको ठंडा होने देते हैं। और यहाँ देखिए पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, इसका पानी जैसे अलग कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम डालेंगे यहाँ पर मिक्सर जार में। तो यहाँ देखिए मैंने इसको छान लिया है। अब यहाँ हम इसको डाल देते हैं मिक्सर जार में, और इसका हम अच्छा सा पल्प बना लेंगे। तो ढक्कन लगा देंगे और अच्छे से इसको हम पीस लेंगे, काफ़ी बढ़िया सा फाइन सा। यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब हम दोबारा से एक बार इसको छन्नी में रख के छान लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी थोड़े बहुत रेशे वगैरह होंगे ना तो वो निकल आएंगे। और इसको मैंने उसी पानी में छान लिया है जो आम का पानी बचा हुआ था ना, उसी में हमें छान लेना है इसको। तो अच्छे से इसका हम पल्प निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारा पल्प निकाल लिया है। इसके बाद लेंगे यहाँ पर हम हैंड मिक्सर, और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। खूब अच्छे से मिला लेना है। खूब अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए अच्छा ठंडा होने के लिए, पूरी तरह से चिल होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। और ये मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाला है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे आपको गाढ़ा पसंद हो या फिर पतला, उस हिसाब से बना सकते हैं। इसमें आप पूरे 2 लीटर तक पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अच्छा चील होने के बाद ही इसको पीने में मज़ा आता है।
तो ये देखिए पूरी तरीके से मैंने ठंडा कर लिया है। अब यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सुपर टेस्टी मैंगो फ्रूटी बन करके तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना। तो आप भी इस तरीके से घर में बनाइए फटाफट से और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।